नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन आज आप सभी को बताने वाला हूँ एक ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में जिससे हम सभी कहीं ना कहीं जानते तो हैं इस खाद्य पदार्थ को, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इसके पहले आप उसका प्रयोग करते आते हैं, कर रहे हैं या करते रहे हैं सर्दी खांसी में, और आम किसी को ऐसा हो कि छींक आती हो, बहुत ज़्यादा खराश रहती हो, ज़ुकाम वगैरह हो, तो वेट लॉस के लिए, वज़न कम करने के लिए, तो ये आप समझ रहे हैं कि किसकी चर्चा हो रही है। दरअसल देखा यह गया है कि ये इतना प्राकृतिक और अच्छा खाद्य पदार्थ है कि इसकी जितनी ज़्यादा प्रशंसा की जाए उतना कम है। जी, आज हम चर्चा करने वाले हैं शहद पे, यानी हनी पर। अचानक ये हनी का क्यों सवाल आया, मैंने देखा है कि मेरे कुछ पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि आमतौर पर इस महीने में जो अभी का मंथ चल रहा है मार्च अप्रैल, इस महीने में बहुत ज़्यादा पेट की समस्या से ग्रसित लोग हर वर्ष आते हैं और रहते हैं, विशेषकर पित्त का ज़्यादा बनना, खट्टी ढकारें आना, गले में जलन होना, पेट में गैस होना, अत्यधिक खाने पीने में पाचन क्रिया में कमी हो जाना, पेट का फूलना, बहुत ज़्यादा कब्ज की समस्या, कभी कभी दस्त इत्यादि का होना, ये मैंने देखा है अमूमन इस महीनों में होता है। तब हमने शुरुआत की थी, पहले कुछ दिनों से मैंने कोशिश किया कि इस बार इस महीने के रिस्पॉन्स में मैं इस एक खाद्य पदार्थ को जोड़ूं जिसका नाम शहद, हनी या मध बोलते हैं, और मैंने पाया है कि ये रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था कई सारे पेशेंट्स में, तो मैंने सोचा कि इन वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ मैं ये चीज़ साझा करूं कि शहद के रिसर्च में कई बार जो पहले हुई आया है पेट के रोगों में शहद का बहुत फ़ायदा है। कहीं कहीं रिसर्च में आया है कि शहद के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, इतनी स्ट्रॉन्ग एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, पॉलीफेनॉल्स होते हैं, कई सारे ऐसे अच्छे गुण हैं जिनके वजह से पेट के अंदर जो आंत है उसके अंदर की सूजन कम तक होती है। शहद के सेवन से बच्चों में अभी के समय में जो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस है उसका ड्यूरेशन कम हो जाता है, यानी दस्त की जो समस्या है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट्स जिसे इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम है, इन्फ्लामेटरी बॉयल सिंड्रोम है, तो ऐसा देखा गया चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, तो पाया गया कि जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस काइंड ऑफ पेशेंट हो अगर, और उसे अगर हम हनी का सेवन कराएं, शहद का सेवन करें, तो उससे आंतों में सूजन कम होती है, जिसका असर होता है कि बीमारी के बार बार प्रोग्रेशन होने के चांसेस कम होते हैं, बार बार अटैक आने के चांसेस कम होता है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हनी है शहद, इसका सबसे ज़्यादा लाभ ये है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखती है, जिसके वजह से अपच की क्रिया, पाचन क्रिया में दिक्कत, बार बार गैस बनने की समस्या, खाने पीने में दिक्कत होना, अपच होना, आपको ऐसा लगना कि पेट फूल रहा है, ये सब समस्याएं जो आम तौर पे इन महीनों में होती है बहुत हद तक कम हो सकती है। अब कई सारे लोग समझते हैं कि इसका सेवन ठंडे पानी में करें, गर्म पानी में करें, कैसे सेवन करें। सेवन करने का कोई नियम या विधि नहीं होती, ये अगर आप ठंडे पानी में लेते हो उसके हिसाब से, और गर्म पानी में लेते हो, शहद अपने हिसाब, दोनों तरीके से आप ले सकते हो, जैसे आपका लेने का मन करता हो। लेकिन हमेशा याद रखिए, जितना गाढ़े रंग का, जितना डार्क कलर का ये शहद होगा उतना ज़्यादा लाभ होगा, उतनी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होगा प्रॉपर्टीज़ होंगी, और उतने ज़्यादा आपको एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होगा। अगर आप एक पेट से लंबे समय से पीड़ित पेशेंट हो, जिसको बार बार पेट में इन्फेक्शन होता है, पेट में दर्द होती है, कभी दस्त होता है, कभी कब्ज़ की समस्या रहती है, अपच होता है, खट्टी ढकारें आती हैं, पेट फूल जाता है, पेट में लगातार आए दिन समस्या बनी रहती है, तो आप खाने में शहद का इस्तेमाल शुरू कर दो। इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पेट के अंदर के सूजन को कम करेगी, और साथ साथ इसका इतना स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कि जो भी डैमेज हो रहा है आपके आंतों में, आपके पेट में, आपके फैटी लिवर में, इसको भी कम करने में ये मदद कर सकती है। इसके साथ साथ और भी देखा गया कि जो शहद है ये कुछ अच्छे बैक्टीरियाज और जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन इत्यादि कराने में जो इसका प्रीबायोटिक काम है उसमें मदद करता है, और इसके साथ साथ जो खराब बैक्टीरियाज हैं, जो इन्फेक्शन है, जैसे आपको क्लोसिडियम डिफिसल, स्टीरिजिया कोलाई, इकोलाई जिसे बोलते हैं, या फिर सेल्मोनेला, इन अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से न सिर्फ बचाने में मदद करता है बल्कि इनसे लड़ने में भी मदद करता है। तो पेट में अगर किसी के इन्फेक्शन हो और शहद का सेवन हो तो उससे भी बहुत हद तक मदद मिल सकती है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि ऐसे पेशेंट्स जिनको कब्ज की समस्या है, बार बार गैस बनता है, गैस पास करते हैं और बदबू रहती है, पॉटी में बहुत बदबू रहती है, उनके लिए भी शहद इसलिए अच्छा है क्योंकि जो हमारे
बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं बड़ी आंत में, और वो फर्मेंटेशन जो अनडाइजेस्टेड खाने का होता है, यानी खाना कोई आपको ठीक से पचा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, बड़ी आंत में वो गया, तो उस खाने के ऊपर जो हमारे अच्छे गुड बैक्टीरिया बड़े आंत में होते हैं वो उसे फर्मेंट करने लगते हैं अपना खाना बना करके, और उससे अत्यधिक ब्लोटिंग, पेट फूलना होता है, गैस बनती है बड़ी आंत में, और फिर कब्ज की समस्या या फिर दस्त की समस्या अल्टरनेट करके बन सकती है। ऐसा देखा गया कि ये जो हाई फ्रक्टोज कंटेंट होता है हनी का, इसके वजह से क्या है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में हनी जाती है, शहद जाता है, जब आप इसका सेवन करते हो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते ये एक सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल या किसी और चीज़ का जो ठीक से नहीं पच पाने की वजह से उसके ऊपर बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे थे, आपको ढकारें आती थी, खट्टी ढकारें, पेट फूलता था, गैस पास नहीं होता, कब्ज हो जाती है, बराबर परेशान रहते थे, तो हनी के सेवन से वो जो बैक्टीरियाज थे उनको एक सबस्ट्रेट मिल जाता है, उनको अपना भोजन मिल जाता है, और फिर ये जो समस्या होती है उन बैक्टीरियाज के अनडाइजेस्टेड फूड में ग्रोथ करने पे, जो अपच की समस्या बन सकती है, लगातार कब्ज की समस्या बनती है, ये भी कम हो जाता है। इसी वजह से मैं आप सभी को इस बात के बारे में जागरूक करना चाहता था कि कैसे शहद से, अगर छोटे बच्चे हैं जिनको लगातार पेट की समस्या, पेट में दर्द, दस्त इत्यादि, तो उनको सेवन कराइए। शहद से अगर आपको कहीं चोट लगी है, वुंड हीलिंग कराना है, कहीं कोई जल गया है, किसी का कोई और समस्या है, इससे शहद वुंड हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। शहद के पेट और पेट के आसपास के हेल्थ में बहुत सारे फायदे हैं, और ये मोस्ट अंडररेटेड है पेट के समस्या के लिए। इसी वजह से शहद का सेवन रोज़ करना चाहिए, इससे बहुत मदद मिलती है गैस में, पेट के सूजन में, अपच में, पेट के फूलने में, दस्त में, पेट के पाचन क्रिया को ठीक रखने में। एंटी इन्फ्लामेशन इफेक्ट है, आंतों की सूजन को कम करता है, जिसको IBS की समस्या, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसे मदद करता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्वास क्रांति।